यहाँ से भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। बैग वगैरह जो इधर पड़े हुए, मैंने कहा थोड़ा भाई भीड़ खत्म हो जाए, कुछ एक्टिविटीज़ होती है वो बीच भी काफ़ी अच्छा, पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। अब वो लीगली है कि नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। उसके सामने बीच मैन, सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सना। तो जी स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो पे। मैं हूं अभी थाईलैंड के फीफी आइलैंड पे और आज है मेरा डे 6। डेट है 15 अक्टूबर 2022। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कराबी से कम पैसों में फीफी आइलैंड का टूर कैसे कर सकते हो, यहां पे क्या क्या जगहें हैं, वहां का हॉस्टल्स एंड होटल्स अवेलेबल है, क्या प्राइसिंग है, मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हो किस तरीके से आपको रहना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। द बेस्ट पार्ट इज कि शाम में जो है यहां पे पार्टीज होती है हर हॉस्टल में, तो वो पार्टीज भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, मजे लेना, क्योंकि सारी वीडियोज भी है थाईलैंड की, तो ऊपर आई बटन में पूरी प्ले लिस्ट आ रही है, चेक करो, स्टार्टिंग से वीडियो देखना स्टार्ट करो। तो गाइज कैब जो है मेरी आ चुकी है और मैं निकल रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये लेने आई है मेरे को टैक्सी। थैंक यू। तो हम अंदर बैठे गए, हम जा रहे हैं फीफी के लिए। वैसे जो टाइम था गाइज वो 9:30 था, बट ड्यू टू रेन इट्स लाइक 10:15 नाउ, सो 45 मिनट्स लेट है हम। ये नो वरीज पूरा दिन है यार करने को, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी फीफी आइलैंड पे वाइब कम आने वाली है, लेकिन आई होप कि थोड़ी देर एक दो घंटे में बारिश रुक जाओ। तो गाइस कैब ने जो है हमें यहाँ पे छोड़ दिया है, ये वही जगह है जो कल मैंने आपको बोर्ड दिखाई थी ना, जब गाइस कल मैं सूरत थानी से आया था तो जिस कैब ने मुझे छोड़ा था इसी जगह पे फीफी आइलैंड के लिए जाते हैं, मैंने कल वाले ब्लॉग में भी बताया था। गाइस कितने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है कि सूरत थानी से फीफी आइलैंड कैसे आ सकते हो, सूरत थानी से कराबी या फुकेत कैसे जा सकते हो, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो जाओ पूरी देखो और सबसे सस्ते वे में। जो हमने गाइस टिकट्स ली है उस टिकट्स को यहाँ पे दिखाना है, जो टिकट थी ये दिखाना है, बाकी हम यहाँ से भी आगे खरीद सकते हैं टिकट शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यहाँ से भी लेने का ऑप्शन होगा, यहाँ से भी ऑप्शन है आप देख सकते हैं। टाइमिंग भी लिखी हुई है, दो टाइमिंग पे कराबी से जो है फीफी जाती है, एक सुबह 9 बजे, मतलब 9 बजे आपको होटल से ले लेंगे, और 10:30 बजे जो है यहाँ से निकलेगी, और एक 1:30 बजे होटल से ले लेगी और 3:15 पे निकलेगी। यहाँ पे जो है प्राइस ज़्यादा है, 450 बात है, बट मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितने की ली है और सबसे चीपेस्ट टिकट। सो गाइज ये टिकट थी जो इन्होंने मेरे को दी है, हॉस्टल से जो मेरे को मिला था वो मैंने इनको यहाँ दिया है, तो इन्होंने दो दी थी, एक फाड़ के रख लिया, एक यहाँ दी है, और ये हमारी बोट है जो हमें फीफी ले जाने वाली है, ये चलेगी यहाँ से अराउंड 10:30 के आसपास, यहाँ पे हमें अपने बैग्स वगैरह रखने हैं। तो मैं आपको फीफी आइलैंड की बोट दिखा देता हूँ गाइस, तो ये डबल है, नीचे भी है और ऊपर भी है, लाइक इधर भी है और नीचे भी है, बैग इन्होंने जो है मेरा यहाँ रख दिया, लैपटॉप बैग मेरा इधर है। मेरे ख्याल से 2 घंटे शायद लगेंगे यहाँ से फीफी जाने के लिए, आई थिंक। तो यहाँ से गाइज ऊपर आने का रास्ता है, और भाई अगर मौसम अच्छा होता ना तो सारे के सारे यहीं पे बैठे होते, और अभी आएंगे भी, अगर धूप निकल जाएगी तो डेफिनेटली लोग ऊपर ही आएंगे। मेरी बात हुई कह रहे कि 2 घंटे लगेंगे यहाँ से फीफी पहुँचने में, मतलब अगर बोट से 2 घंटे लग रहे हैं तो होगा अच्छा खासा किलोमीटर, 50 किलोमीटर होगा जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी मैं एक बार सर्च करके आपको बता दूँ। यार भगवान करे बस यार मौसम ठीक हो जाए, बारिश धूप निकल जाए यार, मज़ा आ जाएगा भाई, व्लॉगिंग भी हो जाएगी आप लोगों के लिए, कॉन्टेंट भी क्रिएट हो जाएगा, मेरे तो मज़े खैर आ ही जाएंगे, नहीं तो वैसे भी मैं ले ही लूँगा। फेरी जो है स्टार्ट हो चुकी है, 10:45 टाइमिंग था, तो एग्जैक्ट 10:45 पे ही निकली है। यहाँ पे ना टाइमिंग्स ही बहुत दिल्ली है, मतलब टाइम पे ही चलती है, 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे टैक्स है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। हो चुका है भाई फीफी, थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो मैं ऊपर जाऊँगा। गाइस बारिश जो है वो रुक चुकी है और सब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मौसम अभी खुला नहीं है, धूप नहीं आई है, बारिश रुक गई है, या हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही होगी अभी। कल जिस बीच में मैं गया था एओंगनाम बीच, से पास में एक रैली बीच भी है, तो सब वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, वो बीच भी काफ़ी अच्छा, पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया क्योंकि एक ही दिन था, मैं कहाँ कहाँ जा पाता, 2 दिन का था तो मैं जाता, आज मैं जाता, वैसे मैं परसों रुकता तो मैं ज़रूर जाता, लेकिन एक ही दिन में मैं कितना ही घूम सकता हूँ। जी ऊपर जाने का रास्ता जो है इन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि बारिश हो रही है, कोई फिसल के नीचे ना गिर जाए, इस वजह से यहाँ पे भी मना कर रहे हैं रहने के लिए, तो कह रहे हैं कि बी केयरफुल, बोट जो है बहुत ज़्यादा ना मिल रही है, अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, लाइक मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये कराबी है और इस तरफ जो है गाइस वो फीफी आइलैंड है, तो हल्का हल्का तो दिख रहा है फीफी आइलैंड, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं दिखेगा, आई थिंक कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पाएगा। एक आइलैंड इस तरफ भी है पर ये नहीं है फीफी, ये होगा कोई और सा आइलैंड, यहाँ पे आइलैंड जो है वो काफी सारे है, मतलब एक नहीं।
बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन फीफी जो है सबसे ज़्यादा फेमस आइलैंड है इधर। धूल हो गई है, ये सबको जो है ना पॉली बैग्स बांट रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं सारे के सारे मोशन सिकनेस फील कर रहे हैं, स्पेशली नीचे जो थे वो तो सारे के सारे कर रहे हैं, इसलिए शायद मेरे ख्याल से नीचे कम लोग बैठना पसंद करते हैं। ऊपर फिर भी ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को तो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइक मैं बस में भी चला जाता हूँ पहाड़ों वगैरह में, तो मेरे को तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक घंटा हो चुका है, एक घंटा और लगेगा, तो लोग सारे के सारे पॉलीथिन ले रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, वॉशरूम भी यहाँ पे चार ही है तो सारे भरे पड़े। फीफी आइलैंड की पहली झलक आप लोग देख सकते हैं, मैं पहुँचा नहीं हूँ अभी, मेरे को लगेगी शायद 10 मिनट और लगेंगे, अभी आने वाला होगा। ये वाला आइलैंड जो मैंने आपको दिखाया था, पर बोट जब वहाँ से घूम के इस तरफ आई है तो ये है वो आइलैंड, मतलब वो भी कनेक्ट ही होगा, लेकिन अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं तो शायद और घुमाएगा और मेरे को लगता है कि कहीं इस तरफ छोड़ेगा। बैग वगैरह जो इधर पड़े हुए, मैंने कहा थोड़ा भाई भीड़ ख़त्म हो जाए फिर बैग वगैरह लेते हैं, सबको जल्दी है भाई, क्योंकि 2 घंटे सारे के सारे बैठे हैं। यहाँ से मेरे को हॉस्टल देखना पड़ेगा कितना दूर है, अभी चेक करता हूँ। वगैरह जो है गाइस यहाँ पे रख देते हैं, अंदर से भी आप उठा कर आ सकते हो, मेरा वो पड़ा तो मैं थोड़ा लोगों को जाने का वेट कर रहा था। 12 मिनट वॉकिंग पे है मेरा, एंड जो ये फीफी से वापस करा भी जा रहे हैं तो उनकी लाइन ये है और यही बोट इन्हें शायद वापस लेके जाएगी। ये है ये गाइस, आते वक्त आपको इस तरीके की एक एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, बुकी है 20 बाद की, 20 बाद यहाँ पे एंट्री फीस है। अब वो लीगली है कि नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि बर्गर किंग है, बर्गर किंग तो जस्ट मेरे सामने है पूरा, बर्गर किंग उतरते के साथ ही, और उसके अलावा यहाँ पे सारी फ्रेंचाइज है खाने पीने की, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, सारे हॉस्टल्स है ये फीफी आइलैंड, और फिर यहाँ से आपका पूरा इस तरीके से लॉन्ग वे शायद हम यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप बुक कर सकते हो, मैं भी देखता हूँ कि अगर कुछ अफोर्डेबल हुआ या फिर नॉट दैट एक्सपेंसिव। टाइम हो रहा है अभी 1 बज गया है, एग्जैक्ट 2 घंटे 10 मिनट लिए है फेरी ने यहाँ तक उतारने के लिए, इस तरीके की जो है बुक कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू दिस, और आप ये शेयरिंग भी कर सकते हो, शायद शेयरिंग भी होती होगी लेकिन फिर भी आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। ये पूरा एक आइलैंड है, तो मैं फर्स्ट टाइम किसी आइलैंड को विजिट कर रहा हूँ, वो भी बहुत दूर, जैसे कोरल आइलैंड गया था वो तो बहुत पास में ही था, लेकिन वो भी एक आइलैंड ही था। लेकिन साथ ही जो है इस तरीके का आपको मिल जाएगा, लेट्स फाइंड हमारा हॉस्टल किधर है। बियर के प्राइसेस यहाँ आते ही मेरे को दिख रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा है, आप बुक कर सकते हो अपना फुकेत करा भी, मेरे को पता करना है कल के लिए। फोन वगैरह की दुकानें भी है, तो 7-Eleven पे रुका था, मैं पानी की बॉटल लेनी थी मेरे को अपने लिए। मैं अभी हॉस्टल नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मेरे को एक शॉप दिखी है, जैसे मैंने आपको बताया था गोप्रो वगैरह, यहाँ पे लिखा हुआ है वैट रिफंडेड फॉर टूरिस्ट। अब मेरे को ये पूछना पड़ेगा क्या है यहाँ पे, GoPro Hero 9, GoPro Hero 10, तो प्राइजेस भी पूछेगा सारी चीज़ों के, फ़ोन वगैरह के प्राइजेस भी पूछूंगा आके यहाँ पे कि कितना एक्सपेंसिव है इंडिया के कंपेयर में। मुझे लग रहा है कि ये सस्ता है और वैट भी शायद रिफंड हो जाएगा, तो वही प्रोसेस मैं आपको पूछ के बताऊँगा कि कहाँ से मिल सकता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो, GoPro लेके आने का प्लान कर रहे हो, तो वही मैं आपको एक बार बता दूंगा कि इंडिया से लेना है कि यहाँ से लेना है। गाइस इन्होंने जो है पासपोर्ट रख लिया है for this for a safety, okay चल के अंदर मैं आ चुका हूँ। अभी बेस्ट पार्ट इस हॉस्टल का आपको दिखाऊंगा, दिस इज द गाय, शायद कोई हॉस्टल का बंदे है, मुझे नहीं पता भाई थाईलैंड मंगरेज कैसे काम कर रहे हैं। ओके, इफ वी हैव एनी नो शोज आई कम टू सी समवन ऑन द डेस्क, या देयर इज नो वन एट द नाइट सो आई कैन स्लीप ओवर देयर, ओके नो प्रॉब्लम। व्हाट्स योर नेम? सॉरी माय नेम 10 10 10 वेयर फ्रॉम? इंग्लैंड। योरसेल्फ? Shiva from India. Shiva. Yeah, it's from India. So you're working here? Yeah, I'm volunteering here for now, yeah. Voyage train. Yeah, yeah. So yeah, it's a nice place to be at the moment. It's been a good few months, so. How long have you been here? Nearly 3 months now. 3 months? Yeah. Same here? Yeah. Man, all in this, all in this hostel, man. I think you love Fifi. Very much. Hey, room tour आपको दिखा देता हूँ फटाफट। ये है मेरा आज का हॉस्टल, 8-bed dome। तो मेरा वाला जो गाइज वो ये है अपर वाला, तो यहाँ पे भी एसी है। वही है गाइज, रायन से बोला कि ऑन कैसे होगा, तो ये कह रहे हैं कि शाम में 5 बजे होगा। मतलब यहाँ की पॉलिसी है कि दिन में जो है ये एसी बंद कर देते हैं, क्योंकि रूम में लोग रहते नहीं है, बाहर घूम रहे होते हैं, तो इसलिए एक भी या दो बंदे के लिए एसी चलाना फिर थोड़ा सा महंगा पड़ता होगा ना, इसलिए रात में जब सब आ जाते हैं तो हर जगह मिलता ही है। तो मतलब इस कंट्री में ना आपको वाईफाई की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है भाई, एवरी वेयर यू कैन फाइंड द वाईफाई। तो भाई चलो चलता हूँ मैं बीच की तरफ, जूते वूते रिमूव करता हूँ, बैग बैग को अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स। अच्छा यहाँ पे लॉकर मिला है, पर ये लॉकर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें मैं ये है कि अपना लैपटॉप वगैरह, जो मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जो मेनली जो चीज़ें चोरी होने का डर है, कपड़े तो खैर कौन क्या ही लेके जाएगा, और ले भी जाएगा तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ हॉस्टल्स में ऐसा कोई चीज़ें होती नहीं है गाइस, बस आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो मैं इसको बेड के नीचे डाल दूंगा दोनों चीज़ों को यहाँ से, और जो पर्सनल लैपटॉप वगैरह जो कैमरा वगैरह उसको मैं यहाँ डाल दूंगा, और मैं पैडलॉक लेकर ही आता हूँ तो वो काम आते हैं। हॉस्टल में ये सारे जो है टूर्नामेंट्स लगा रखे हैं इन्होंने, ये वॉशरूम्स वगैरह है, ये वाला जो है मेरा रूम। बेस्ट पार्ट दिखाने वाला हूँ कि भाई इस हॉस्टल का बेस्ट पार्ट क्या है। ये मैंने घुमाया इस तरफ और भाई सामने ही जो है गाइस
बीच है तो ये पार्टी एरिया जो शाम में यहाँ पे पार्टी होती है रोज, और जस्ट उसके सामने बीच मैन। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के सामने। लाइक ये है मेरा हॉस्टल, यहाँ से बाहर से ऐसा दिखता है हॉस्टल। ये तो बीच साइड हो गया, अंदर की साइड देखते हैं आराम से सारी। चलो चलते हैं फीफी आइलैंड, घुमाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंडियंस आ रखे हैं, हर जगह मेरे को इंडियंस ही दिख रहे हैं। तो ये यार सब इन्जॉय करने के लिए आते हैं, तो फीफी आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। न्यूली वेड कपल्स हनीमून बनाने भी आ रहे हैं, फ्रेंड्स दोस्तों के ग्रुप भी बनाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आके मुझे थोड़े से मेरे फ्रेंड्स की याद आ रही है, अगर होते तो बहुत ज़्यादा धमाल करते हम यहाँ पे। और बाकी भाई पानी जो है ना इतना क्लियर है ना कि आराम से आउंड जो है ना इजीली दिख रहा है भाई, इतना क्लीन वाटर है यहाँ पे। इधर जो है मेरी फेरी ने मेरे को छोड़ा था। तो अब बात करते हैं गाइस कि आप यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हो, कितने पैसे लगते हैं और क्या क्या टाइमिंग्स है। तो गाइस दो सिटी और एक आइलैंड का टूर बनता है, या तो आप यहाँ पे कराबी फीफी आइलैंड फुकेत कर सकते हो, या फुकेत फीफी आइलैंड कराबी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको यही करना है, आप फीफी आइलैंड भी खाली आके वापस जा सकते हो। गाइस अब बात करते हैं कितने पैसे लगते हैं कराबी से फीफी आइलैंड आने के, या फीफी फुकेत से फीफी आइलैंड आने के। गाइस जो पब्लिक फेरी होती है उसके मैंने 400 भात दिए हैं, जो कि आपने देखा होगा कि मैंने अपने हॉस्टल से ही बुक करी है। कल एओनाग बीच भी गया था मैंने, वहाँ पे भी पता किया था, तो वो भी 400 या 500 भात मांग रहे थे। तो मैंने कहा जब इतने देनी है तो अपने हॉस्टल से बुक करते हैं। जस्ट अभी अभी मछलियाँ पकड़ के लाए। बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम कम होता है वो यहाँ पे डे ट्रिप भी करते हैं, सुबह निकल आते हैं, शाम तक घूमते हैं, शाम की फेरी से वापस चले जाते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके प्राइसेस मुझे नहीं पता, लेकिन अप एंड डाउन 800 भात के। तो गाइस आप यहाँ पे आके क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जितनी भी है प्राइवेट बोट्स लगी हुई है सारी की सारी, ठीक है। तो ये लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, और आप यहाँ पे जैसे कि लोग ज़्यादातर यहाँ से क्या करते हैं, फीफी आइलैंड तो एक आइलैंड है, आइलैंड में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। जैसे कि मंकी बीच यहाँ पे काफ़ी फेमस है, वाइकिंग केव यहाँ पे काफ़ी फेमस है, माया बे काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और ये जितने भी है सारे टूर आप देख सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो है यहाँ पे लिखी भी हुई है। पोकरेंग, स्कूबा डाइविंग, शार्क पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सनसेट पॉइंट, बूम बूम बाम बूम आइलैंड, इनके प्राइजेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये सारे प्राइजेस आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, लेकिन ये फिक्स प्राइजेस नहीं है, और यहाँ पे नेगोशिएशन काफ़ी अच्छी चलती है, और ये हर किसी का अपना अपना प्राइस है। तो ये इन भाई का प्राइस है जो आप देख सकते हो, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि मैं अकेला हूँ। सारी चीज़ें गाइस आप कर सकते हो। मेरा मन भी था मंकी बीच जाने में, लोगों को या तो कोई लोग मिल जाते हैं जो शेयरिंग कर ले तो मैं ज़रूर चला जाऊँगा, अकेले तो एक बंदे के लिए तो काफ़ी। बाकी गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे हॉस्टल्स और होटल के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि हॉस्टल जो है गाइस यहाँ पे 500 रुपये के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा, मेरा वाला 350-400 रुपये का है। 8 बंक बेड होते हैं और वो सारे शेयर करते हैं। और गाइस होटल जो है प्राइवेट रूम यहाँ पे 1200-1300 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर मैक्सिमम वो कितने हाई जाते हैं उसका तो पता नहीं। तो गाइस अभी मेरी एक बंदे से बात हुई, कोई बोट वाले बंदे से बात हुई है, तो कहाँ कहाँ ले जा सकता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक और छोटा सा आइलैंड पड़ता है जहाँ पे मंकी बीच है, माया बे है, और वाइकिंग केव है, और एक आध जगह कुछ और है, मतलब 4-5 जगह है। उसने पूछा कि आप कितने जनों, मैंने बोला मैं तो सोलो हूँ, तो उसने बोला 1500 भात, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो मैंने उससे पूछा कि हम कितने लोग मैक्सिमम आप कर सकते हो, तो वो कह रहा है कि 4 लोग मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ और 1500 भात में। आप एक जाओ या दो जाओ या तीन जाओ या 4 लोग जाओ, लेगा वो 1500 भात ही। तो 1500 भात में 4 लोग हुआ तो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सना। सना? आना। आना? यस। ओके, सो हाय आना, वेयर आर यू फ्रॉम? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ओके। तो गाइज ये अर्जेंटीना की है। Hi. तो गाइज ये इनका जो है शॉप है यहाँ पे, और ये स्कूबा डाइविंग कराती है, तो मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट प्राइजेस आप लोगों के लिए पूछ रहा था। देखो यहाँ पे जो है पहले तो टाइमिंग्स आप देख लो, टाइमिंग्स तो मॉर्निंग और आफ्टरनून का होता है, तो 5 घंटे का टोटल सेट है, एक सेट और 2 सेट, जो भी आपको टाइम प्रेफर करें आप ले सकते हैं। 2 इनके पास डाइविंग्स अवेलेबल है, एक फन डाइविंग और एक डिस्कवर स्कूबा डाइविंग। फन डाइविंग गाइस उन लोगों के लिए जिनको स्कूबा डाइविंग आती है और आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपको स्कूबा डाइविंग आती है, उसके चार्जेस जो है वो 2500 भात है, 2 डाइव्स मिलेगी उसमें आपको। और जिनको नहीं आती जो फर्स्ट टाइम डाइव कर रहे हैं, चले गाइस 3400 भात की फीस है, उसमें भी आपको 2 डाइविंग्स मिलेगी। लाइक यू सेड दैट 600 फॉर द एंट्री टिकट ऑफर ऑल द पीपल, या दे 600। इसके अलावा 600 भात जो है वो आपको वहाँ पे देने है एज अ एंट्री टिकट, तो ये तो चार्जेस इनके हैं जो भी आपने देखी। इसके अलावा 600 भात और है, तो मतलब 3400 वाला अगर फर्स्ट टाइम कर रहा हो तो 4000 भात की आपकी स्कूबा डाइविंग हो जाएगी, विच इज़ अराउंड 8500 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में। एक्सपेंसिव है, अंडमान निकोबार में इससे सस्ती होती है। आके एक्सपीरियंस कर सकते हो, अगर आपको करना है, आपके पास पैसे है तो भाई डेफिनेटली करो। मैं आया हूँ अभी 7-Eleven में, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है एक्सपेंसिव है।
जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली पानी की बोतल मैंने कल ली थी खराबी से, और ये मेरे को पड़ी थी 14 baht की, और यहाँ पे 28 सी था डबल, मतलब दो के प्राइस में एक। तो ये आइलैंड है भाई, यहाँ पे मेक श्योर की चीज़ें जो है वो आपको नॉर्मल रेट से महंगी ही मिलेगी। गाइस तैयार हो गया हूँ मैं, स्पेशली भाई मैं इंडिया से खरीद के लेकर आया था यहाँ पे पहनने के लिए, सेम मैचिंग। टाइम हो रहा है अभी इस टाइम 5 बज रहे है, तो जैसे कि सनसेट होने वाला है। इसमें स्विमिंग कर आया था, काफ़ी देर मैंने स्विमिंग करी, 1 घंटे से भी ज़्यादा करी, फिर नहाया, फिर अब चेंज करके वापस आया। वही जो ब्रेकफास्ट खा रखा था उसके अलावा कुछ नहीं खाया। मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, और आपको भी दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या प्राइसिंग है। उसके अलावा मुझे बंदे ने बोला है कि जो मैं मंकी बीच बोल रहा था वहाँ पे मैं पैदल भी जा सकता हूँ, तो वो कह रहा कि 2-2.5 किलोमीटर होगा, बोट लेके जाती है या फिर कौन सा, वो देखना पड़ेगा। अगर हुआ तो भाई मज़े आ जाएगा। जो मंकी बीच था वो पैदल नहीं जा सकते भाई, क्योंकि वो इस तरफ से है, मतलब अभी देख रहो ये इस तरफ से जाके घूम के है, तो भाई पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वही बोट टैक्सी लेनी पड़ेगी। मैं कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि कोई मिल जाए, 2 जने या 3 जने कोई मिल जाए, हम आपस में जो बांट ले पैसे, मतलब 1500 baht बोले उसने मेरे को 4 बंदों के, तो 4 बंदों के जो भी है थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेगा, 1400-1300 जितना भी हो पाए, अभी तो नहीं लेकिन कल के लिए, कल सुबह के लिए। और यहाँ पे स्कूबा हो रही है इस तरफ को, अगर आप 2 बंदे देख रहे हो स्विमिंग नहीं कर रहे, लिटरली स्कूबा कर रहे हैं, और मैंने और लोगों को भी देखा था वो भी स्कूबा ही कर रहे थे यहाँ पे। ये पानी इतना साफ है ना कि कैमरे में नहीं आ रही होगा, लेकिन ये आप देख रहे हो ये फिशेज है भाई, ये डायरेक्टली दिख रही है। गैस दोनों फेरी वापस आ गई है, फिर से लोग आ गए हैं, क्योंकि 2 टाइम चलती है, सुबह 11 बजे और एक शाम में चलती है फिर 3 बजे के आसपास। हम वाले लोग 3 बजे आए होंगे, अब 5:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पहुँच गए हैं, 2 घंटे ही लगते हैं 3:30 बजे के आसपास। अभी जस्ट मैंने बात करी उनकी ट्रैवल कंपनी है, तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि सारा बोट वोट का सीन है, तो वो कह रही कि हम शेयरिंग में भी भेजते हैं, यहाँ से कहीं और भी निकलना है तो उसके लिए भी मुझे बुकिंग करवानी थी, तो मेरे को दोनों चीज़ों का उन्होंने मेरे को प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छा दे दिया है। सोच रहा हूँ कि मैं बुकिंग करा लूँ, लेकिन वही है कि बस मैं सुबह निकलना पड़ेगा मेरे को, और मैं 1 बजे मुझे वापस लेकर आएंगे, और उसके बाद टाइम तो है, मतलब टाइम मैनेज हो जाएगा पूरा, लेकिन मैं जा रहा हूँ वहाँ, मैं थोड़ा लेट पहुँचूँगा बस, और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा सोचता हूँ कि क्या करना है, वैसे शायद मैं करवा ही लूँगा, अभी वापस आता हूँ तो आपको बता दूँगा ये शॉप वगैरह कहाँ पे है। भाई जब से यहाँ पे आइलैंड में आया हूँ तो ये मेरे को पहली स्कूटी यहाँ पे दिख रही है। प्राइस ऑफ द आईफोन्स भाई, GoPro अगर आपको चाहिए था तो भाई थाईलैंड से आके ले जाओ भाई, इंडिया से सस्ता है। पेट था और इट्स लुक लाइक दिस, बट ये प्रॉन्स के साथ है। भाई मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी यार, आगे नहीं आना चाहिए था। आप देख सकते हो भाई बहुत पुरानी है, मेरे को हिस्ट्री नहीं पता इसकी क्या है,